Sm- आप लोगों को ऐसे एक ब्लाउज कटिंग बताने वाली हो जैसे कि थर्टी फोर थर्टी सिक्स साइज लोग भी इस ब्लाउज़ को पहन सकती हो तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ये थर्टी फोर साइज के हिसाब से फिटिंग्स किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कातरे का सेफ कितना अच्छे से यहाँ पर फिटिंग्स आया है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी इस ब्लाउज़ के जैसा परफेक्ट फिटिंग्स पाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए यहाँ पर आप लोग इसका पॉप भी देख लिया होगा कैसे इसका पॉप आया है तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज को कटिंग करना बहुत ईजी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका पॉप जगह में बैठा है आप लोग देख सकती हैं और ये ब्लाउज खुद पहनकर दिखा रही हूँ थर्टी फोर साइज और थर्टी सिक्स साइज लोगों के लिए कटिंग करना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए आज मैं आप लोगों को पॉप स्लिप ब्रैकेट ब्लाउज स्टेप बाई स्टेप कटिंग बताने वाली हो तो चलिए देर ना करें वीडियो किस तरीके से इस प्लस कटिंग करना है पूरा स्टेप बाई स्टेप सेक लेती है मैं यहाँ पर डायरेक्ट फेब्रिक कटिंग करने वाली हूँ चाहे तो आप इसमें अस्तर यूज करना है तो अस्तर भी यूज कर सकती हो तो फ्रेंड्स आप लोग इस ब्लाउज देखा ही होगा किस तरीके से ये ब्लाउज फिटिंग्स आया है बिना अस्तर के भी बहुत अच्छे से ये ब्लाउज फिटिंग्स आया है मैं खुद आप लोगों को ये ब्लाउज पहन कर दिखा रही हूँ तो क्योंकि मुझे पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और कपड़ा इतना सॉफ्ट है बहुत ही अच्छा लगता है इस ब्लाउज को पहनना ब्लाउज का कटिंग में सबसे पहले हमेशा याद रखना है बैक पार्ट ही पहले कटिंग करना है पहले बैक पार्ट कटिंग कर लेने से फ्रंट पार्ट करने में उतना दिक्कत नहीं होता है दरअसल अभी यहाँ से मैंने टोटल फैब्रिक 11 इंच तक ले लिया है जैसे कि 34, 36 साइज का लोग भी ये पहन सकती हो तरसलिए ब्लाउज का लंबाई, है। लंबाई का लेना है लंबाई हमेशा अपने हाइट के अनुसार लेना है यहाँ से मैं लंबाई फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच का इस ब्लाउज का लंबाई रखूंगी मैंने इसका कोशिश इस तरीके से सीधा बराबर मिलाया है तो चलिए अभी शोल्डर का मेजरमेंट लूंगी शोल्डर यहाँ पर देखिए मैं ज्यादा नहीं रखूंगी यहाँ से देखिए इंच से तीन शोल्डर आप लोग यहाँ पर देखा ही होगा यहाँ पर का साइड की तरफ से कोई भी भी कोई फुलावा नहीं है तो यहाँ से का मेजरमेंट लेना है यहाँ पर देखिए सिक्स इंच से दो सूट कम रखूंगी और यहाँ से बराबर फाइव इंच से तीन सूट ज्यादा रखूंगी तो चलिए अभी ब्लाउज के ब्लॉज का मेजरमेंट लेना है जैसे कि ये थर्टी फोर थर्टी सिक्स साइज के लोगों के लिए है तो पहले यहाँ से मैं थर्टी फोर साइज़ के हिसाब से रखूंगी मैं यहाँ से एट पॉइंट फाइव इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा फेब्रिक यहाँ से देखिए टू इंच से यहाँ पर देखिए दो शूट ज़्यादा रखूंगी और यहाँ पर कमर देखिए हमें से ही से वन इंच कम कर करके लेना है ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट इसी तरीके से ही लेना होता है यहाँ पर कमर का मेजरमेंट एक्स्ट्रा फेब्रिक के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है तो चलिए अभी यहाँ से देखिए यह बट हमें से ध्यान में रखना है यहाँ से हाफ इंच का लगभग यहाँ से रखना है और यहाँ से सिलाई करने के बाद ये सेवन पॉइंट फाइव इंच सेवन इंच तक होना चाहिए और यहाँ से वन इंच से यहाँ पर दो सूट ज़्यादा मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर इसको मिला देना है ये देखिए सेप में जैसे लगा रही हो आप लोग भी ऐसे ही लगाना है तो ऐसे लगाने से अच्छे से बहुत ही सेप आता है तो यहाँ से दो तो इंच रखूँगी नेक लाइन और हमेशा एक बार यहाँ पर ध्यान रखना है एक बार ये देखिए यहाँ से यहाँ से देखिए सबसे पहले तो यहाँ से नेक डीप लेना है नेक डीप में यहाँ से थर्टीन इंच तक लिया है और यहाँ से देखिए टू पॉइंट फाइव इंच तक नेक का चौरा रखूंगी जैसे कि डीप का तो चलिए यहाँ से आप कोई भी नेक डिजाइन बना सकती हो मुझे यहाँ पर राउंड नेक पसंद है मैं यहाँ से ना राउंड नेक का सेफ ही लगाऊँगी आपको जैसे पसंद है आप अपने हिसाब से यहाँ पर नेक डिजाइन बनाना है तो यहाँ से देखिए शोल्डर की साइड की तरफ से यहाँ से हमेशा हाफ इंच तक कुछ इस तरीके से डाउन करके कर देना है इस तरीके से देने से नेक का सेप से और भी अच्छे से आता है तो यहाँ से देखिए यहाँ से फाइव इंच तक रखूंगी और इसको थोड़ा सा काट कर निशाना लगा कर दूंगी बैक साइड के दाँत को तो चलिए यहाँ से काट कर लेना है काट देखिए जैसे मैं यहाँ पर काट कर रही हूँ आप लोग भी उसी तरीके से ही काट करना है बैक का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है तो चलिए साइड काट करने के लिए फेब्रिक को कुछ तरीके से घुमाकर कर लेना है देखिए तो चलिए बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले निशाना लगा कर लेना है ये देखिए बैक पार्ट को तो कुछ इस तरीके से पिसा कर लेना है तो फ्रंट साइड के साइड की तरफ से भी यहाँ से हाफ इंच का लगभग कुछ इस तरीके से मिलाना है नेक के साइड की तरफ से देखिए शोल्डर से और जहाँ से हाफ इंच का लगभग लिया है वहाँ से सेवन इंच तक फ्रंट नेक डीप रखूंगी और सिक्स इंच पे और एक निशाना लगाऊंगी सिक्स इंच का जो निशाना है ये हमारा बस बसपेन देने में काम आएगा जो आनहुल का पार्ट को सेप लगाने में काम तो भी काम आएगा तो चलिए अभी यहाँ से नेक डीप रखूंगी नेक डीप यहाँ से थ्री पॉइंट फाइव इंच तक रखूंगी तो चलिए अभी यहाँ से कितने तक ज़्यादा फेब्रिक लेना है यहाँ से देखिए बैक पाइट से फ्रंट साइड की तरफ से हमेशा देखिए 1.5 पॉइंट इंच नहीं तो 2 इंच तक लेना है जैसे कि ये ब्लाउज 34, 36 थर्टी सिक्स साइज लुक पहने वाले तो यहाँ से देखिए तो इसे से दो सूट काम करके लूंगी आप यहाँ पर देखिए टू इंच लेना है तो टू इंच भी ले सकते हो अगर आपका कहते हो कि सिर्फ थोड़ा ज्यादा होने से यहाँ से टू इंच तक ले सकती हो तो चलिए अभी बासपेन के लिए मेजरमेंट लेना है बासपेट के मेजरमेंट देखिए शोल्डर से भी ले सकती हूँ देखिए शोल्डर से देखिए आपका बासमेंट जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से लेना है तो चलिए शोल्डर से कैसे लेना है देखिए आपका बसपेंट जितना इंच तक आता है आप अपने हिसाब से लेना है यहाँ पर देखिए शोल्डर से लेने से एलेवन इंच तक आता है और जहाँ से सिक्स इंच का मेजरमेंट लिया है वहाँ से लेने से यहाँ से फाइव पॉइंट फाइव इंच तक लेना है तो यहाँ से मैं फाइव पॉइंट फाइव इंच तक रखूँगी तो इसको कुछ इस तरीके से सीधा देना है तो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था ब्लाउज में फ्रंट साइड की तरफ से नेक डिजाइन नहीं बना सकती है क्या तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड की तरफ से नेक डिजाइन नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बनाने से यहाँ पर देखिए जो गुलाई है यहाँ पर गुलाई नहीं रहेगा फ्रंट साइड की तरफ से ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा अगर आपको इसी तरीके से बनाना है तो आप लोग बना सकती हो तो चलिए अभी यहाँ से कतर के लिए मेजरमेंट लेना है जैसे कि यहाँ पर ये ब्लाउज थर्टी सिक्स साइज के लिए भी है तो तो यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से भी मेज़रमेंट ले सकती हो थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से देखिए हाफ इंच का लगभग सिलाई के लिए ले सकती हो तो जैसे कि यहाँ पर थर्टी फोर थर्टी सिक्स साइज का यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर देखिए कैसे लेना है जैसे कि थर्टी फोर साइज के हिसाब से भी नहीं लूँगी और थर्टी सिक्स साइज के हिसाब से भी नहीं लूँगी यहाँ से और हाफ इंच कम करूँगी थर्टी सिक्स साइज के हिसाब से लेना है तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ से एट इंच का लगभग यहाँ पर इसका कतरी का सेप रखूंगी मैं मैंने यहाँ पर एट इंच का लगभग लिया है तसलिए इसको हाफ करना है हाफ़ देखिए कहाँ से करना है यहाँ से हाफ करना है तो चलिए अभी यहाँ से के का से मैं यहाँ से वन इंच का सेब उठाऊंगी और इस साइड से भी वन इंच का सेब उठाऊंगी तो चलिए अभी यहाँ से भी और एक मेजरमेंट लेना है ये देखिए सिक्स इंच को बराबर रखकर यहाँ से इस पॉइंट को लगाना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखिए टू पॉइंट फाइव इंच का लगभग यहाँ पर इसका सेब का मेजरमेंट मिला है तो चलिए इसको यहाँ से मिलाना है तो चलिए अभी अरबुल के साइड की तरफ से भी और एक मेजरमेंट लेना है यहाँ से सिक्स इंच तक रखूँगी और इसको देखिए कुछ इस तरीके से त्रीसा मिलाना है इसे थोड़ा सा कम करना है ये देखिए मिला दिया है तो चलिए अभी कतरी कपाट के, के लिए और एक मेजरमेंट लेना है ये यह देखिए यहाँ से 4.5 इंच तक बराबर मिला है 4.5 इंच तक बराबर होना चाहिए इस साइड की तरफ से हमेशा इससे कम नहीं कहना है इससे ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अभी कतरे का और एक पार्ट के लिए मेजरमेंट लेना है यहाँ से देखिए फोर पॉइंट फाइव इंच तक रखूँगी और इसको सीधा करना है करने के बाद देखिए पहले इसको सीधा कर कर लूँगी और यहाँ से हाफ इंच तक डाउन करूँगी इस साइड से वन पॉइंट फाइव इंच तक डाउन करूँगी तो चलिए यहाँ से मिला देना है कुछ इस तरीके से यहाँ से देखिए फोर इंच तक बराबर मैंने ले लिया है और यहाँ से टू पॉइंट फाइव इंच तक रखूंगी और इसको कुछ इस तरीके से मिलाना है योगपति को मैं अलग से काट करूंगी क्योंकि यहाँ पर स्लिप पॉप स्लिप है इसी के का कारण से मैं यहाँ पर अलग से शिकायत करूँगी मेरे पास ज़्यादा फेब्रिक नहीं बढ़ता है जैसे कि पॉप स्लिप के लिए भी थोड़ा ज़्यादा फेब्रिक चाहिए तो इसलिए युग पुट्टी को मैं अलग फेब्रिक ज्वाइन करके यहाँ पर बनाऊँगी तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डिजाइनिंग चाहिए तो ये देखिए डिजाइनिंग जहाँ से देना तो यहाँ पर सिक्स इंच से कटिंग का, करना होगा मैं यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग नहीं रखूँगी यहाँ पर राउंड नेक का काट ही सेप लगाऊँगी फ्रंट साइड का नेक को तसली को सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फॉर फोल्डिंग करके ले लिया है तसली अभी यहाँ से कितना कर काट करना है स्लिप को मैं यहाँ से टोटल लेना है यहाँ से देखिए सिक्स इंच तक राखूंगी और इस साइड से भी इसको काट कर लूंगी मैंने सिक्स इंच बराबर कर लिया तरह काट कर लूंगी तो ये देखिए एक साइड की स्लिप की तरफ से कितना इंच तक मिला है ट्वेंटी फोर इंच तक मिला है तो साइड से और भी फेबरिक ज्वाइन करना होगा यहाँ पर देखिए दोनों स्लिप के लिए मैंने यहाँ पर मिडल बराबर काट कर लिया है तो इसको मैं और भी फेब्रिक ज्वाइन कर कर लूँगी दसरी अभी यहाँ से देखिए जो बासा हुआ फेब्रिक से मैं यहाँ पर योगपुटी काट कर लूँगी इसको देखिए अलग फेब्रिक से पहले जॉइन करना होगा उसके बाद ही काट कर लूँगी तो चलिए स्लिप का बदल काट करने के लिए मैंने फेब्रिक को टू फोल्डिंग करके ले लिया है तो चलिए अभी यहाँ से कितना इंच तक लेना है मेरे स्लिप का मुहरी जितना इंस तक है मैं यहाँ से उतना इंस से रखूँगी और यहाँ से देखिए मैंने फाइव इंच तक रख कर काट करूँगी हर जगह से फाइव इंच का निशाना लगा कर ले लूँगी और इसको देखिए सीधा बराबर मिला कर लूँगी लेने के बाद चलिए इसको काट कर लूँगी और यहाँ से मैं युग पुति के लिए फेब्रिक निकाल कर रखूंगी देखिए इसको देखिए पहले जॉइन कर कर लूंगी उसके बाद युग पुटी का मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ से काट कर लूंगी ये देखिए मैंने योग पुट्टी काट करके ले लिया है और इसको देखिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से काट किया है बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट जितने तक मिलता है मैं यहाँ पर भी उतना से लिया है और यहाँ से देखिए सिक्स पॉइंट फाइव इंच तक लिया है और मिडल से देखिए फाइव इंच तक रखूंगी और इस साइड से xin chính xác tập hồng nghị. तो यहाँ पर देखिए कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है ये देखिए बैक साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डीप नेक काट किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जितना भी डीप नेक बनाना है तो बना सकते हो यहाँ पर देखिए टोटल फोर इंच है और ये सिलाई करने के बाद थ्री इंच तक हो जाएगा कमर कमरपत्ती के साइड की तरफ से यह हाफ इंच जाएगा और नेक का पट्टी के साइड की तरफ से यह हाफ इंच जाएगा सिलाई करने के बाद ये थ्री इंच तक होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं ब्लाउज का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है तो वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इसका सिलाई का वीडियो को आप लोग बहुत जल्द मिल जाएगा सिलाई का वीडियो देख के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए थैंक यू